जय विश्वकर्मा। और दूसरी भी एक घोषणा है, जैसे हमने कहा जय विश्वकर्मा, उतनी ही महत्वपूर्ण है जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी। विचार मंच पर बैठे हुए सभी संत महानुभाव, जिनकी वजह से हम पूरे महाराष्ट्र से, पूरे भारत से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिनकी प्रेरणा से वो आदरणीय जिन्होंने यह प्रोग्राम करवाने के लिए बहुत ही कष्ट उठाए हैं और पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने मीटिंग करवाई, तो मेरे मित्र आदरणीय प्रोफेसर नागोजीराव कंकाळ सर, उनके सभी पूरी व्यवस्था में लगे हैं और नागोजीराव पंचाल साहब के साथ उनके सभी कार्यकर्ता, उनके संगठन के पदाधिकारी और यहाँ सभी इकट्ठे हुए मेरे ओबीसी विश्वकर्मा समाज के बहने और भाई। मेरा परिचय यहाँ पहले ही आपको करवा दिया है। जब मेरे घर पर मुझे मिलने के लिए पंचायत सर जब आए, तो उन्होंने यह सभी वेरोल में आपने जो क्रांति करके दिखाई, मैं उसको क्रांति कहता हूं, क्योंकि ये जो एलोरा केव्स है वेरोल का, वो बनाने के लिए विश्वकर्मा के पुत्रों ने अपना खून पसीना बहाया है और इतने बड़े पर्वत में सभी की मूर्तियां बनाई, लेकिन अपने भगवान विश्वकर्मा की बड़ी मूर्ति वो नहीं बनवा सके। पत्थर तोड़ के, पत्थर खोद के सभी की मूर्तियां बनाई, लेकिन हमारे विश्वकर्मा की एक बड़ी मूर्ति नहीं बना सके। लेकिन गांव में जो विश्वकर्मा का भगवान का मंदिर था, जो गैर जातियों के लोगों ने उसके ऊपर कब्जा करके रखा था, उस कब्जे को हटाकर आपने भगवान विश्वकर्मा को मुक्त किया, ये इसलिए मैं उसे क्रांति बताता हूं। भारतवर्ष में जब हम कहते हैं कि सृष्टि के निर्माता, जब हम कहते हैं तो पहला नाम तो भगवान विश्वकर्मा का ही आना चाहिए, लेकिन कुछ गैर जाति लोगों ने, अपर कास्ट उच्च जाति के लोगों ने भगवान विश्वकर्मा को दबाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश इस दुनिया के बनाने वाले और खत्म करने वाले हैं, इसमें विश्वकर्मा का नाम उन्होंने लिया नहीं, जबकि विश्वकर्मा भगवान सृष्टि के निर्माता है, उनका कहीं भी नाम नहीं लिया। हमेशा से इस देश में ये कोशिश है कि जो कष्ट करने वाले हैं, जो परिश्रम करने वाले हैं और परिश्रम करके अपनी रोजी रोटी चलाने वाले हैं, दूसरों की भी रोजी रोटी चलाते हैं, हमेशा से उनको दबाया गया है, उनसे काम तो करवा लेते हैं, जैसे कि ताजमहल बनवाया, हमारे विश्वकर्मा के पुत्रों ने बनवाया, और ताजमहल बनने के बाद सभी विश्वकर्मा के जो पुत्र थे जिन्होंने ताजमहल बनाया, उनके हाथ कटवा दिए, ये हमेशा से हमारे ऊपर अन्याय होता हुआ। हाथ कटवाने के लिए उनके पास बहुत अलग अलग तरीके है, अलग अलग तरीके है। हमारे अगली पीढ़ी ने प्रगति नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो हमारे बच्चे बच्चों की जो शिक्षा होती है, पढ़ाई होती है, उसको वो काट देते हैं,
देखो पूरा का पूरा ये जो गांव था ये पूरा विश्वकर्मा के पुत्रों का था, जीवनी केवल होना है। लेकिन आज गांव में जाओ और पूछो कि कितने विश्वकर्मा के पुत्र गांव में है, बहुत कम है। कहां गए लोग? इतना बड़ा पर्वत केवल के रूप में बनाया और उनके अगले पीढ़ी के लोग यहाँ नहीं है, इस गांव में नहीं है। तो हमारे प्रगति को काटने के लिए उनके पास बहुत बड़ी योजना है। अभी देखो भारतीय संविधान जिन्होंने बनवाया उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है। उन्होंने हमें एक नया नाम दिया संविधान में, राज्य घटना में उन्होंने हमें ओबीसी नाम करके दिया, एससी बीसी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एससी बीसी शॉर्ट में कहे तो हमें नाम दिया ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। तो जैसे एससी को सहूलियत मिलती है उनके बच्चे आगे जाते हैं पढ़ते हैं, एसटी के आदिवासी के लड़के पढ़ते हैं आगे जाते हैं, तो उसी तरह ओबीसी लोगों के बच्चे पढ़ने चाहिए, उन्होंने आगे जाना चाहिए, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए। इसलिए संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा रखा है। लेकिन हम जागरूक ना होने की वजह से ये हमें नहीं मिल रहा है। जागृति अगर है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहले हमारे लोग सोचते थे कि मंदिर में जाने से और भगवान से कुछ मांगने से मिल जाता है। लेकिन आज अगर पार्लियामेंट में हमारे विचार के लोग, हमारे जाति के लोग अगर पार्लियामेंट में जाते हैं तभी हमारे समाज को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। ध्यान रखिए, खड़े पाटिल जिन्होंने प्रस्तावना की इस प्रोग्राम की, उनके साथ मेरी विस्तार से बात हुई और उन्होंने कहा कि हमारे लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, हमारा समाज का इतना बड़ा संगठन है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई मंत्री आता नहीं, आमदार आता नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आता नहीं और हमारे तरफ देखता भी नहीं। तो हमारी ताकत तो बहुत है धर्म के नाम से, हमारी ताकत तो बहुत है समाज के नाम से, लेकिन पॉलिटिक्स में हम जीरो है। इसलिए हमारे तरफ कोई आमदार खासदार नहीं आता, एमएलए नहीं आता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आता नहीं, कोई आता नहीं, मंत्री भी नहीं आता, पावर तरफ देखता ही नहीं। तो ये जो ताकत है हमारी समाज की और धर्म की ताकत, वो पॉलिटिक्स में भी बदलनी चाहिए। खड़े बापू ने कहा, खड़े पाटिल ने, पहले हम हमारे ऊपर अन्याय करने वाले जो लोग हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए, जो हमें ओबीसी का हक नहीं देते, जो हमें विश्वकर्मा समाज का हक नहीं देते, उनको हमको पराभूत करना है। अगर उनको पराभूत किया तो हमारे लोग पार्लियामेंट में जीत के आएंगे बड़ी संख्या में, वो मंत्री बनेंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे, वो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सहूलियत देंगे, शिष्यवृत्ति देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। आज एससी समाज के लड़के हर साल शासन की तरफ से, शासन की खर्चा से कम 500 लड़के एससी समाज के बुद्धिस्ट समाज के पढ़ने के लिए अमेरिका में जाते हैं और वो सब के सब कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है और वो अपने समाज के लिए काम करता है। हमारे समाज में कितने आईएएस ऑफिसर है, सुधा लोहार सोना कितने आईएएस ऑफिसर है? हमारे जब तक आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर बड़े पैमाने में नहीं आएंगे, हमारे जाति से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए चुन के नहीं आएंगे, तब तक हमारा कोई भला नहीं होगा। हम तो ताकत दूसरों को दे देते हैं, हमारे वोट से दूसरे लोग जीत जाते हैं, लेकिन हमारे लोग क्यों नहीं जीत के आते ये सोचना चाहिए। ओबीसी में विश्वकर्मा समाज में बहुत बड़ी ताकत है। 2014 के इलेक्शन में उन्होंने
देखा कि ओबीसी जात हो रहा है तो ओबीसी जात का पीएम उन्होंने कैंडिडेट बनवाया प्रधानमंत्री पद के लिए, ओबीसी आदमी को उन्होंने खड़ा किया और हम सब ओबीसी ने मिलकर उनको वोट दिया और वो आज प्रधानमंत्री है। लेकिन हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बावजूद हमारी जागृति ना होने की वजह से ओबीसी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती थी, चार साल पहले तक 560 करोड़ रुपया हर साल मिलता था, 2015 में 500 करोड़ कर दिए, 2016 में 80 करोड़ कर दिए और आज 2017 में जो पहले 560 करोड़ थी ये 2017 में उन्होंने कर दिया 55 करोड़। हमारी लोकसंख्या है 52%, बजट में हमको कितना मिलता है देखो, आदिवासी समाज की जनगणना होती है, सेंसस होता है, उनकी गिनती की जाती है, हर दस साल के बाद आदिवासियों की, दलितों की, मुस्लिमों की, क्रिश्चनों की, सभी की जनगणना होती है। लेकिन हमारे ओबीसी समाज की, विश्व समाज की, विश्वकर्मा समाज की जनगणना नहीं होती है, सेंसस नहीं होता है, इसलिए हमको देश के तिजोरी में से 52% मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिलता क्योंकि हमारा 52% जो है वो जनगणना होती ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो हमने पंपलेट बांटे है, ये जो पंपलेट बांटे आप हर के हाथ में दिया है, ये पढ़ो और ओबीसी जनगणना, विश्वकर्मा समाज की जनगणना क्यों होनी चाहिए ये उसमें हमने लिखा है। जिस दिन हमारी जनगणना हो जाएगी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम 52% रहे, 50% रहे, 60% रहे, जो भी है कुछ। 1931 में हम 52% थे, उस वक्त अंग्रेज का जमाना था और अंग्रेज लोगों ने हमारी जनगणना करवाई थी, उस वक्त हम 52% थे। आज अगर हमारी जनगणना कर दी गई तो हम 65% से भी ज्यादा हमारी संख्या होगी और जब पेपर पे संख्या आ जाएगी कि ओबीसी समाज की, विश्वकर्मा समाज की जनसंख्या 60% है, 65% है, अगर एक कागज पे आ गया तो भारत सरकार की तिजोरी में से हमको 60% हमारा हिस्सा उनको देना ही पड़ेगा और ये देना नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वो हमारी जनगणना नहीं करते क्योंकि अगर शासन की तिजोरी में से अगर 60% हिस्सा अगर हमारे पॉकेट में आ गया तो वो सोचते हैं कि हमारी मौज मस्ती के कौन से पैसे चलेंगे। कि जो 60 वर्षों से हमारे आजादी मिलने के बाद अपर कास्ट के लोग जो मौज मस्ती कर रहे हैं, गाड़ियां ले रहे, बंगले बना रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं, करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये सब किसकी वजह से कर सकते हैं? वो हमारा हिस्सा हमें ना देते हुए वो हमारा हिस्सा चुराते हैं, उसके ऊपर वो मौज मस्ती करते हैं और इसके लिए वो हमारी जनगणना नहीं करते। तो ये जनगणना होनी चाहिए। देखो लिंगायत समाज है कर्नाटक में, कम से कम 50 लाख लोगों ने वहां इकट्ठा होकर लिंगायत धर्म की अलग पहचान होनी चाहिए यह उन्होंने मांग की है। लिंगायत धर्म हमारे जैसा ही बहुजन समाज का धर्म है, जैसे विश्वकर्मा समाज का धर्म है। तो ये जो हमारे बहुजन समाज के जो धर्म है, विश्वकर्मा धर्म है, लिंगायत धर्म है, उधर गोरखनाथ का नाथ धर्म है, इसको हम पंथ बोलते, पंथ नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे स्वतंत्र धर्म है और हमारे धर्म जो है ये समतावादी है, ये मातृसत्ताकवादी है। माँ का नाम पहले लिया जाता है हमारे धर्म में।
में। देखो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अपने अपने सरनेम पूछो अपने आप को, सोनोने, देवरे, खैरना, भामरे, सपकाने, पवार, ये सब सरनेम हमारे में रहते हैं, अहिरे वगैरह। तो ये जो सरनेम है ये कुल नेम है, ये कुल माता से आता है। और ये माता जो होती है हमारी कुल माता, ये हमारी मातृसत्ता की रानी थी, तो इसके नाम से हमारा सरनेम आता है। अगर मुझे कोई पूछता है आप कौन है आप, तो मैं कहता हूं मैं देवरे हूं। तो देवरे का मतलब यह है कि देवरे सरनेम की जो कुल माता है वो कुल माता से मेरी पहचान है, वो मेरी आत्म माता है, उससे मेरी पहचान है। तो सभी बहुजन समाज के जितने भी धर्म है, विश्वकर्मा धर्म हो, लिंगायत धर्म हो, ये नाथ धर्म हो, गोरखनाथ का, ये सभी मातृसत्तावादी है। और जो हमारे ऊपर आज राज कर रहे हैं, उनका जो धर्म है वो वैदिक धर्म है, उनका ब्राह्मण धर्म है, वो मातृसत्तावादी नहीं है, वो पितृवादी है, वो पितृवादी है, हम मातृवादी है, इसलिए हम समतावादी है। आज हमारे ऊपर 3% लोग वैदिक धर्म वाले हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हमारे विश्वकर्मा धर्म को पहचान देने से इनकार कर रहे हैं। संख्या उनकी 3% है, पूरी सत्ता उनके हाथ में है। हमारे लोगों से कुछ लोगों को उठाकर किसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं, किसी को MLA बना देते हैं और उनको हमारे खिलाफ काम करने के लिए बोलते हैं। प्रधानमंत्री OBC हो गया, लेकिन OBC के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अन्याय होने लगे। हमारा 27% आरक्षण उन्होंने 5% तक ला के रख दिया है,